नमस्कार, मैं हूं आकाश, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। शहर कांग्रेस कमेटी ने किसानों के समर्थन में उतरकर जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से महामहिम राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। मुजफ्फरनगर कचहरी परिसर में स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर शहर कांग्रेस कमेटी के नगर अध्यक्ष जुनैद रऊफ के नेतृत्व में दर्जनों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने सरकार के द्वारा किसानों पर किए जा रहे उत्पीड़न के विरोध में किसानों के समर्थन में उतरते हुए एक ज्ञापन जिलाधिकारी के महोदय के माध्यम से महामहिम राज्यपाल के नाम सौंपा। इस ज्ञापन के दौरान मांग की गई कि केंद्र सरकार के द्वारा 3 किसान विरोधी बिल पास किए गए थे, जिसमें प्रदेश के सभी किसानों को मानसिक व आर्थिक नुकसान हुआ है। आज देश भर के किसान सड़क पर उतरकर इस बिल का पूरी तरह से विरोध भी कर रहे हैं। इसीलिए किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए आपसे अनुरोध है कि आप अपनी विशिष्ट शक्ति का उपयोग करते हुए इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए किसानों को उनका वास्तविक अधिकार दिलाएं। बाइट जुनैद रऊफ, नगर अध्यक्ष, शहर कांग्रेस कमेटी, मुजफ्फरनगर। प्राइम न्यूज 24 से विशाल पवन, मुजफ्फरनगर की रिपोर्ट। आज शहर कांग्रेस कमेटी व समस्त फ्रंटल संगठनों द्वारा जो किसान आंदोलन हो रहा है, जो केंद्र सरकार द्वारा काला कानून लागू करा है, उसके खिलाफ आज हमने एक मेमोरेंडम डीएम साहब के नाम दिया है, जो कि हमने उम्मीद करी है महामहिम राज्यपाल जी से कि ये जो मांगे हैं वो किसानों की पूरी करी जाए। और जिस तरीके से इतनी बर्बरता किसानों के साथ दिखाई है, यहाँ तक कि एक किसान इस प्रदर्शन के दौरान शहीद हो गया है, हमारी मांग है प्रशासन से और सरकार से किसानों की मांग पूरी करी जाए और ये जो काला कानून है इसे तुरंत रद्द करके किसानों को राहत दी जाए। हमने मांग करी है जो किसानों के खिलाफ जो 3 अध्यादेश, जो MSP और जो भंडारण का जो सीमा उन्होंने समाप्त करी है उसको खत्म करी जाए, क्योंकि जो भंडारण की सीमा खत्म करी है उससे सीधा सीधा उद्योगपति जो है, जो भंडारण करते हैं, जो जमाखोर हैं, सीधा उनको लाभ होगा और उसकी कोई सीमा नहीं है। वे कभी तक ही गरीब किसान से, जो मासूम किसान है, उससे फसल लेकर के वे भंडारण करेंगे और उसके बाद अपने मनमाफी के रेट के मुताबिक वे लोग बेचने का काम करेंगे, जिससे सीधा सीधा किसान का तो उसमें नुकसान है ही, उसके साथ साथ देश का भी, जनता का बहुत ज़्यादा नुकसान है।